बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे, और मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह हम सबको अपने हिस्सों अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है मैं रेसिपी दे रही हूँ फजीता पिज़्ज़ा। फजीता पिज़्ज़ा जो है वो मैं विदाउट ओवन बताऊंगी आपको, बहुत ही आसान रेसिपी है। इससे पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। तो इसे पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो की ज़रूरत होती है, डो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर खमीर डाला है ईस्ट, जहाँ पर 1/2 चम्मच मैंने चीनी और थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, तकरीबन 1/2 चम्मच ही होगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर जो है नीम गर्म पानी से हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँगी, यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। डो को अच्छी तरह से जो है हम तैयार करेंगे, कम से कम इसको डो को तैयार करने के लिए हमें 10 से 12 मिनट जो है इसको अच्छी तरह से मसलना होगा और अच्छी तरह से तैयार करना होगा। तो यहाँ पे अभी आप यहाँ पे हम डो को अच्छी तरह से मसल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मैं इसको तैयार कर रही हूँ। इसी तरह से जितनी अच्छे से डो तैयार होगी उतना ही अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा। यहाँ से तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको मैं मसल रही हूँ। तो अभी जो है मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और इस तरह से इसको सेट कर दूंगी और किसी बाउल में जो है रख देंगे इसको और ऊपर से कवर करके रख देंगे, इतनी देर रखेंगे कि ये डो जो है वो डबल हो जाए। इसका एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन यह है कि आजकल सर्दी का मौसम है तो मेरी जो है वो तकरीबन 2 घंटे में तैयार हो चुकी थी, क्योंकि कराची में जो है वो सर्दी नहीं है। तो अभी इसको मैं कवर करके ऊपर से किसी ओवन में रख दें या माइक्रो में किसी चीज़ भी इसको रख दें। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, तकरीबन 1 बॉल मैंने चिकन लिया है 1 कप, और इसमें मैं सिरका डाल रही हूँ। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर जो है आपके पास पाउडर है तो पाउडर डाल दें, लेकिन मुझे फ्रेश अच्छा लगता है तो मैंने फ्रेश डाला है यहाँ पे। और ओरिगैनो में डालूँगी, नमक डाल रही हूँ, यहाँ पे कुटी मिर्च डालूँगी मैं, नमक हसबे ज़ायका डालें और कुटी मिर्च तकरीबन मैंने यहाँ पे जो है 1.5 टीस्पून मैंने डाली है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं, अभी यहाँ मैंने ऑयल डाला है, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। अब इसमें ये जो मैंने मैरिनेट किया है चिकन इसको डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो अभी यहाँ पे तैयार हो चुका है, यहाँ पे डो भी तकरीबन हमारी तैयार है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन इस डो से मेरे पास जो है वो सांचा जो है पिज़्ज़े का वो मेरे पास छोटा है, तो इस वजह से मैं इसके 2 बना लूँगी, छोटे छोटे पिज़्ज़े बना लूँगी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसमें ऑयल लगा दिया है। और यहाँ पे डालेंगे कुटी मिर्च है, शिमला मिर्च, यहाँ पे जो चिकन अभी मैंने तैयार किया है, प्याज हैं, और यहाँ पे जो है पिज़्ज़ा सॉस है, चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। अच्छी तरह से हम लोगों ने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है। अब यहाँ पे हम लोग जो है डालेंगे चीज़, और अब इसके ऊपर जो है चिकन सेट कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से प्याज जो है वो करेंगे, आप चाहें तो आप शिमला मिर्च कलरफुल डाल सकते हैं इसमें, टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बस ये चीज़ें थी तो मैंने ये चीज़ें, क्योंकि टमाटर नहीं शौक से खाते हैं बच्चे, तो मैंने नहीं डाले हैं। और इसके ऊपर से जो है हम थोड़ा कुटी मिर्च और ओरिगैनो का टच दे देंगे। यहाँ पे मैंने पतीला रख दिया है, हीट पे है, तकरीबन गर्म हो चुका है, तो उसमें मैंने पिज़्ज़ा रख दिया है तकरीबन। अब इसको देखेंगे 10-15 मिनट बाद देखेंगे, तो अभी तक तैयार नहीं हुआ। अभी इसको मैं दोबारा बंद कर दूंगी। अभी तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद फिर मैंने देखा है तो पिज़्ज़ा जो है ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अभी इसको जो है मैं डिश आउट कर लूँगी, निकाल लूँगी। बहुत ही आसान और अमन ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ जो है बन सकती है। बहुत ज़बरदस्त बना है, रेसिपी को ट्राई करना। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अपना बहुत ख्याल रखना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।